दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सुबह से पंडित अमरजीत शर्मा जी और पंडित नमन शर्मा जी जो हैं प्रेम अंकल के साथ जो है यहाँ पे पहला कोट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चाचा जी हैं और चाचा जी का भतीजा आया हुआ है बुद्धि सिंह। तो दोस्तों इस समय मेरे पिताजी जो है चपातियां बना रहे हैं। फिर से मेरी जो ड्यूटी है वो आटा गूंदने की लग चुकी है, तो जल्दी से आटा गूंदते हैं क्योंकि अभी कोको को भी चपातियां बनानी है और अपने लिए भी चपाती बनानी है। तो मैं जल्दी से आटा गूंद लेता हूं, आप लोग देखिए सिनेमैटिक शॉट्स। फाइनली दोस्तों हमारे प्रेम अंकल जी जो हैं आ चुके हैं और अभी जो है डैम प्रूफ का पहला कोट जो है करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे साथ हैं नमन शर्मा जी पीछे हैं और इस साइड लब्बू है और पापा जी और प्रेम अंकल हैं। तो अभी जो है थोड़ा बहुत जो है इसको साफ करने के लिए रह चुका है तो उसको साफ करते हैं और अंकल जी पीछे से जो है डैम प्रूफ का पहला कोट करना स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो प्रेम अंकल जी जो हैं इस समय पहला कोट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पापा जी इस समय जो है डैम प्रूफ का पहले कोट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और प्रेम अंकल जी इस समय जो है कोने कोने में पुट्टी लगा रहे हैं और मेरे चाचा जी अभी घूम फिर रहे हैं। तो अभी नमन शर्मा झाड़ू लगा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और लब्बू भी अभी जो है छत को साफ करने में लगा हुआ है। तो सारे लोग जो हैं जी जान से मेहनत कर रहे हैं और मंदिर का काम जो है सच्ची लगन से और दिल से कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आटा अच्छे तरीके से गूंद लिया है और यहाँ पे आकांक्षा बहन जी ने आके चपातियां भी बना ली हैं। तो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि सुबह से पंडित अमरजीत शर्मा जी और पंडित नमन शर्मा जी जो हैं प्रेम अंकल के साथ जो हैं यहाँ पे पहला कोट कर रहे हैं। तो पापा और नमन शर्मा अभी भी पहला कोट कर रहे हैं और अंकल जी जो हैं हमारे वो दूसरे कोट करना स्टार्ट कर दिया अंकल जी ने। तो प्रेम अंकल जी बड़े प्रेम से काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं अंकल जी के चेहरे में कितनी खुशी है। और बस ये थोड़ा सा रहा और यहाँ पे सिर्फ पहला कोट होगा, उसके बाद जो है प्रेम अंकल ही दूसरा कोट खुद करेंगे और उसके बाद तीसरा कोट होगा। तो मेरे को लगता है कि कोशिश है कि आज ही ये फिनिश हो जाए। तो अभी देखते हैं कितना समय लगता है और धूप भी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है पहले कोट में और दूसरे कोट में। पहले कोट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आधा मटेरियल और आधा पानी मिक्स किया होता है और दूसरा कोट जो है वो प्योर ही चलता है। तो पहला कोट जो है वो नमन शर्मा की तरह ब्रश से किया जाता है और दूसरे कोट में जो है रोलर का इस्तेमाल करते हैं, जो रोलर आपको दिख रहा होगा सामने रखा हुआ है। दोस्तों पापा जी ने आज पहली बार मेरे बनाई हुई दाल की तारीफ की तो बोल रहे हैं टेस्टी लग रही है। कैसी लग रही है बाप जी दाल? बहुत बढ़िया। तो पहली बार पापा ने मेरी दाल की जो है बनाई हुई दाल की तारीफ की। वैसे पापा कोई ना कोई नुक्स निकालते थे कि थोड़ी सी ऐसी है वैसी है, वैसे तो मैं अच्छी बनाता हूँ पर ये ही निकालते थे, पर आज बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बनी हुई है। तो दोस्तों आज तारीफ ही तारीफ हो रही है, तो प्रेम अंकल जी भी बोल रहे हैं कि दाल अच्छी बनी है। कैसी बनी अंकल जी? बहुत बढ़िया। तो अंकल जी ने भी मेरी तारीफ कर दी है, पापा ने तो पहले ही कर दी है, तो अच्छा लग रहा है सुन के। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चाचा जी हैं और चाचा जी का भतीजा आया हुआ है बुद्धि सिंह। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये बुद्धि है और ये चाचा जी हैं। हाय कर दो। तो ये जो है थाची से चाचा जी के साथ घूमने के लिए आए हुए हैं और मतलब ये जो है ज़्यादातर समय जो है चाचा जी के साथ बिताते हैं क्योंकि चाचा जी जो है इनको भी अपने बच्चे की तरह ही प्यार देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बुद्धि जी हैं और ये मेरे चाचा जी हैं। हाय कर दो। हाय करेंगे। और ऊपर जो है हमारी बहन जी है जो कपड़े धो रही है। दोस्तों इस समय प्रेम अंकल जी जो हैं तीसरा कोट डैम प्रूफ का मार रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो है तीसरा कोट स्टार्ट हो चुका है और इस साइड जो है दूसरा कोट
मार दिया गया है। और दर्शक लोग देख सकते हैं आप कितने ज्यादा यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इस तरह से हो रहा है डैम प्रूफ का काम। तो पापा जी इस समय जो है घास निकाल रहे हैं और घास की खेल में जो है गौशाला में छोड़ आया हूँ। तो हमारी गौशाला वो है सामने, आप लोगों को दिख रही होगी। और मैंने थोड़ी सी मक्की भी निकाल ली है, तो यहाँ पे मैंने मक्की निकाल ली है। तो ज़्यादा मक्की नहीं निकालेंगे अभी, क्योंकि हमें ये घास में भी डालना है। तो अभी गाय को घास भी हो जाएगा इसका रात के लिए। तो मक्की भी निकल गई है, तो अभी पापा जी घास निकाल रहे हैं। तो एक एक दो पुल्ले और निकालेंगे पापा जी घास के, और बस जो घास का कार्यक्रम है वो आज समाप्त कर देंगे हम। फिर कल घास निकालना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस समय जो है पापा जी गोबर को उठा रहे हैं और गाय के नीचे से जो गोबर पड़ा हुआ है उसको साइड में कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ताऊ जी इस समय जो है गौशाला के लिए जा रहे हैं। ओके ताऊ जी, बाय बाय। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो रात हो गई है और अभी भी जो है डैम्पिंग का काम चालू है, और अभी भी डैम्पिंग का काम किया जा रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे बल्ब लिया है चार्जिंग वाला, तो उसके थ्रू मैंने यहाँ पे लाइट की है ताकि अंकल जी जो हैं इसको कंप्लीट कर सकें। बस इतना करीब पोर्शन जो है ये रहा हुआ है, तो अभी जल्दी से करते हैं इसको। अंकल जी अभी भी जो है कार्य कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं डैम्पिंग का काम जो है जोरों शोरों से चला हुआ है। दोस्तों हमें जल्दी से ये काम फिनिश करना होगा, क्योंकि फिर 7:30 बजे माता बगलामुखी की आरती का समय भी हो जाता है, तो उससे पहले ही हम कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने की। तो आप लोग देख सकते हैं अंकल जी जो है डैम प्रूफ कर रहे हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे मंदिर की पपड़ी जमी हुई थी उसको निकाला जा रहा है, और यहाँ पे भी जो है अंकल जी डैम प्रूफ ही कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि अंकल जी इतनी रात में भी अभी जो है यहाँ पे मंदिर में थोड़ा सा काम था, तो उसको अभी भी कर रहे हैं। तो ये अभी मंदिर की कार सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अभी रात के 8 बज रहे हैं। अंकल जी को यहाँ पपड़ी दिखी, तो अंकल जी ने बोला कि इसको कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ईमानदारी और कितनी लगन के साथ प्रेम, अंकल जी बिल्कुल प्रेम के साथ जो है यहाँ पे मंदिर में काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और पीछे नमन जी जो है सुबह से अंकल की हेल्प में लगे हुए हैं, और अंकल की पूरी हेल्प नमन जी ने जो है सुबह से की है। तो दोस्तों इस समय मेरे पिताजी जो हैं चपातियां बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए जो है प्लेट लगा रहा हूँ, तो जल्दी से कर लेते हैं डिनर। दोस्तों इस समय मैं स्क्रबर के साथ जो है गैस को साफ कर रहा हूँ, क्योंकि कल मम्मी जी जो है मेरे घर में आ जाएंगे और मम्मी जी देखेंगे कि गैस गंदी है, तो बहुत सारा सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं स्क्रबर के साथ जो है इस गैस को साफ कर रहा हूँ। तो जल्दी से मैं गैस साफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस समय हम बनाना शेक बना रहे हैं, तो जल्दी से हम बनाना शेक बना लेते हैं, क्योंकि नमन शर्मा जी जो है इस समय वेट कर रहे हैं बनाना शेक पीने का। तो जल्दी से बनाना शेक बनाते हैं और आप लोगों को भी सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं। तो काफी ज्यादा काम करने के बाद अभी मैं बनाना शेक पी रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।